आरएनए को किसी भी टेम्पलेट के रिक्वायरमेंट नहीं है को किसी भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर कहीं पर आप किसी भी वजह से सी थ्री प्राइम ओ एच को हटा so on, तो जब उस राइट प्लेस को सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा तो डीएनए रेप्लीकेशन है टोटली कंटिन्यूस टोटली डिस्कंटिन्यूस या सेमी डिस्कटिन्यूअस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है देखते हैं कितनी जल्दी आप ये आंसर दे पाते हैं कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी गुड एंड मेन जेनेटिक मटेरियल इज ऐसा क्या था आरएनए में कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है मैं शुरुआत कर रहा हूं वेरी गुड आरएनए हैज केपेबिलिटी ऑफ डी नोवो सिंथेसिस आरएनए को किसी भी टेम्पलेट के रिक्वायरमेंट नहीं है आरएनए को किसी भी प्राइमर के रिक्वायरमेंट नहीं है आरएनए के अंदर डी नोवो सिंथेसिस की पावर है दैट इज व्हाई आरएनए से कहानी शुरू हुई बट बिकॉज़ आरएनए इज अ रिएक्टिव लेस स्टेबल इसी वजह से एवोल्यूशन के दौरान ऐसा जेनेटिक मटेरियल ढूंढा गया जो स्टेबल हो जो इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर पाए इसीलिए डीएनए आरएनए से बना तो डीएनए आज एक मेन जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए कुछ वायरसेस वगैरह में है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डीएनए और आरएनए जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स ये पॉलीमर हैं किसके न्यूक्लियोटाइड्स के हमारे पास डीएनए आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं अगर हम किसी भी न्यूक्लिक एसिड को देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो उनके अंदर बेस शुगर फॉस्फेट कौन कौन सी तीन चीजें हैं बेस शुगर फॉस्फेट 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 वो हैं जो डीएनए या आरएनए को नेगेटिव चार्ज देते हैं उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है या हम कहें नेगेटिव चार्ज है उसका रीजन ही फॉस्फेट है शुगर जो शुगर के दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं जब भी हम किसी भी डीएनए में कहते हैं फाइव प्राइम थ्री प्राइम वन प्राइम टू प्राइम तो हम ये बातचीत हमेशा करते हैं शुगर के कार्बन के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन के पास में एक ओ दिख रहा है दोनों ही शुगर में वहां वन लिखा है फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव अगर कोई भी चीज इस फर्स्ट कार्बन पर यानी फर्स्ट वाले ओ एच वाले सेक्शन पर आकर जुड़ेगी तो हम कहेंगे फर्स्ट प्राइम सेकेंड पर तो सेकेंड प्राइम थर्ड प्राइम फोर्थ प्राइम फिफ्थ प्राइम यानी सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कि प्राइम वर्ड जो यूज किया जाता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम कहने का मतलब क्या है अगर मैं कह रहा हूं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम मतलब इस वाले कार्बन के फाइव प्राइम का एंड है और इस वाले कार्बन के थ्री प्राइम का एंड है तो फाइव से थ्री हमारा इस तरह से जा रहा है जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास है शुगर की उसका फिफ्थ कार्बन यहाँ है और थर्ड कार्बन इधर तो फाइव से थ्री ऐसे कहा थ्री से फाइव अगर बोलेंगे तो इधर थर्ड कार्बन का एंड है और इधर फिफ्थ कार्बन का एंड है यानी प्राइम वर्ड जो यूज किया गया वो ऐसे शुगर की बात करें तो जो पेंटो शुगर हम यूज कर रहे हैं बेसिकली आर के अंदर है राइबोस डीएनए के अंदर है डी दोनों ही शुगर फ्यनोज है एल्डोज है और बीटा फॉर्म के अंदर है लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अगर हम देखें तो राइबोज एंड डी राइबोज में तीन पोजीशन पर ओएच OH ग्रुप कॉमन है फर्स्ट प्राइम थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम कौन कौन से प्राइम पर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ लेकिन आरएनए में जो शुगर है उसके पास एक एक्स्ट्रा ओएच OH ग्रुप है कौन से प्राइम पर सेकंड प्राइम

इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो हमें समझ आया कि डीएनए की स्टेबिलिटी किसी के मुकाबले ज्यादा है अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को देखता हूं तो मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है न्यूक्लियोटाइड में शुगर है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है नाइट्रोजन बेसिस में देखा जाए तो हमारे पास प्योरेमेडीन भी है एंड पायरेमेडीन भी है अगर कहा जाए थायमिन साइटोसिन साइडिन ये जिनकी हम बात करते हैं यूरासिल इनमें से किसी एक ग्रुप को याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिकली याद होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था किसी एक चीज को याद रखना है जैसे अगर याद रखें हम एजी प्यूरेन। एजी प्यूरेन, जो कॉमनली वर्ड हम घर पर सुनते हैं तो हमने कहा एडेनिन, ग्वानिन, क्या है प्यूरिन? तो रेस्पेक्टिवली याद हो गए कि साइटोसिन यूरास थायमिडीन ये क्या हो गए हमारे पायरेमिडीन पायरेमिडीन की बात करें तो पायरेमिडीन के अंदर एक पायरेमिडीन रिंग है जो दो नाइट्रोजन और चार कार्बन से बनी है ठीक है आप सभी को डायग्राम नजर आ रहा होगा डायग्राम की एक सीरीज है साइटोसिन यूरासल थाइमिन। जरा देखिए साइटोसिन से यूरासल की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो अमाइन ग्रुप है या हट गया है साइटोसिन और यूरासल में देखिए अमाइन ग्रुप है या हट गया तो इसे कहें अमाइनेशन या डी अमाइनेशन

तो अगर आप देखें तो साइटोसिन से पहले क्या बना था या यूरासिल यूरासिन यूरासिल का हुआ मिथाइलेशन क्या हुआ मिथाइलेशन क्या बना हमारे पास था अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तो अल्टीमेटली यूरासिल के कंपैरिजन में थायमिन की स्टेबिलिटी ज्यादा थायमिन किसका कंपोनेंट है डीएनए का या आरएनए का सो डीएनए के लिए जब हम कहते हैं कि भाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए तो पहला हो जाता है शुगर के रेफरेंस में कि यहां पर टू प्राइम ओ एच वाली शुगर नहीं है दूसरा हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड तीसरा हो जाता है बिकॉज इट हैज थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरासिल बच्चा कहता है थायमिन होने से क्या हुआ थायमिन होने से यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू तो अगर ऑर्गेनिक देखा जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है यूरासिल की या थायमिन की थाएमिन। क्लियर है कंसेप्ट चलिए हमने कहा पैरिमेडीन रिंग ये जो हमारे सामने है अगर हम प्यूरिन की बात करें तो जो एडेनाइन और ग्वानाइन है वहां दो रिंग है पायरेमेडीन रिंग आप सभी को नजर आ रही होगी उसके साथ एक और रिंग अटैच है इमिडाजोल रिंग अगर आप गौर से देखेंगे तो इस इमिडाजोल रिंग पर अगर हम देखें तो हमें जो फोर फाइव और एट नंबर पर तीन कार्बन दिखेंगे सेवन और नाइन नंबर पर नाइट्रोजन दिख रहा है यानी टू नाइट्रोजन प्लस थ्री कार्बन इस इमिडाजोल रिंग में है तो अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन बेसिस जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इमिडाजोल रिंग इज प्रेजेंट साइटोसिन और रिंग इज प्रेजेंट इन ऑल इमिडाजोल इन दोनों में क्लियर है भाई यहां तक का पॉइंट अगर यहां पर मैं आपको देखूं जरा गौर से देखेगा पिछले डायग्राम और इस डायग्राम में फर्स्ट पोजीशन पर इन तीनों में क्या नाइट्रोजन है अरे एन है इसका मतलब अगर शुगर का कोई भी कार्बन मान लीजिए सी वन कार्बन यह एन वन से अटैच होता है तो क्या मैं इस बॉन्ड को सी वन एन वन कह सकता हूं क्या यस अगर हम प्योरन में देखें तो वहां एन नाइन है क्या है एन नाइन इसका मतलब अगर सी वन एन नाइन के साथ जुड़ता है तो क्या उस बॉन्ड को हम सी वन एन नाइन कह सकते हैं अब जो कंफ्यूजन होती है वो आज से खत्म करते हैं जिसका नाम छोटा है उसकी साइकिल बड़ी है प्योर बड़ी साइकिल है एडिनाइन ग्वा लार्ज साइकिल वाले हैं एन नाइन तक है तो जब भी ये अटैच होंगे शुगर से यहां होगा सी वन एन वन अटैचमेंट या सी वन एन नाइन सी वन एन नाइन कौन सा अटैचमेंट होगा C1 N9 अटैचमेंट होगा अगर हम देखें इस अटैचमेंट को तो जरा देखिए शुगर शुगर के फर्स्ट कार्बन से यहां पर आपको जो प्यूरिन का N9 जुड़ा हुआ दिख रहा है इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहते हैं प्यूरिन में C1 N9 है और पाइरिमिडीन में C1 N1 पॉइंट क्लियर है सभी को फिर से कहता हूं राइबोसो डीऑक्सीराइबोसो कौन सी तीन पोजीशन पर OH था वन प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम कौन कौन सा कौन से प्राइम का ओ एच ग्रुप यूटिलाइज हो चुका है न्यूक्लियोसाइड में कौन सा वन प्राइम कौन सा यूटिलाइज हो चुका है बचा क्या क्या थ्री प्राइम ओ एच एंड फाइव प्राइम कौन कौन सा बचा जरा देखिए फाइव प्राइम ओ एच के साथ क्या फॉस्फेट आके जुड़ रहा है अगर फॉस्फेट आके जुड़ा तो इस बॉन्ड को क्या कहा एस्टर क्या कहा? एस्टर अरे क्लियर है कंसेप्ट जरा बताइए कौन से प्राइम का ओएच है जो के साथ अटैचमेंट में कंज्यूम हो गया है फाइव प्राइम ओ किस फॉस्फेट के साथ कंज्यूम हुआ अपने ही न्यूक्लियोटाइड में या अपकमिंग में अपने ही न्यूक्लियोटाइड में कंज्यूम हो गया यानी अब जो सी प्राइम ओ एच बचा है वो आने वाले न्यूक्लियोटाइड को होल्ड करेगा तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड से अगर अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को जुड़ना है ध्यान से सुनिएगा किसी भी न्यूक्लियोटाइड से अगर अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को जुड़ना है तो पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा एंड फ्री है थ्री प्राइम ओ एच कौन सा फ्री है 3 और ये थ्री प्राइम ओ एच आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ रहा है किससे जुड़ रहा है आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ रहा है तो अब सवाल को समझिएगा सी वन कंज्यूम हुआ किसके साथ नाइट्रोजन बेस के साथ सी फाइव अपना या आने वाले और सी थ्री समझ में आ गया तो अगर कहीं पर आप किसी भी वजह से C3 प्राइम OH को हटा दें तो आने वाला न्यूक्लियोटाइड अटैच तो अगर कहीं पर भी मुझे स्ट्रेंथ को लंबा करना है तो थ्री प्राइम ओ एच होना मस्त है अगर सी थ्री प्राइम ओ एच नहीं है तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस डीएनए रेप्लीकेशन के टाइम पर आरएनए प्राइमर का यही काम है वो आता है और फ्री थ्री प्राइम OH ओ एच प्रोवाइड करता है ताकि डीएनए का स्ट्रेंथ बन सके सेप्ट उसका यहीं से शुरू होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का वन प्राइम ओ एच नाइट्रोजन बेस के साथ कंज्यूम है प्राइम OH, अपने ही न्यूक्लियोटाइड लेकिन 3 OH के साथ है अपने साथ अपने या अपकमिंग के साथ yes. तो अगर इस पे थ्री प्राइम ओ एच नहीं है तो किसी भी तरह से फिर फ्री अटैचमेंट होने वाला पॉइंट yes. क्लियर है भाई सभी को ठीक चलिए डीएनए एप्लीकेशन की बात करें छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स जो आपके थियरटिकल पॉइंट्स में भी आते हैं पहला डीएनए ऑटो कैटेलिटिक एक्टिविटी भी दिखाता है और हेटेरो हेटेलिटिक भी ऑटो ऑटोकेटेलिटिक मतलब खुद के रेप्लीकेशन की एनर्जी खुद ही देता है और एप्लीकेशन करवाता है एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं ठीक है डीएनए से आरएनए बनता है हेटेरो एक्टिविटी भी हुई आइए यूकेरियोट में डीएनए का रेप्लीकेशन कौन से फेज में है एस फेज में प्रोकेरियो में प्रायर टू फिजन कैसा कैसा है कैसा है? सेमी सबसे पहले प्रपोज किसने किया वॉटसन एंड क्रिक उसके बाद मिज़ल्सन स्टॉल आए टेलर आए बहुत सारे आए लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने बताया एक और चीज डीएनएर एप्लीकेशन इज लो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और हाई एनर्जी डीएनए के अंदर देखा जाए तो हमने कहा एक हेप्लॉइड सेल के अंदर 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन पावर नाइन बेस पेयर है अगर कॉपी बनाने जाएंगे तो हर एक के लिए इतने सारे फॉस्फेट चाहिए इसका मतलब इतने फॉस्फेट देना माइटोकॉन्ड्रिया के बस की बात सो डीएनए रेप्लीकेशन के लिए एनर्जी पर माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लीकेशन वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो डीएनए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया तो डीएनए क्या करता है मैंने आपको कहा था ना न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या शब्द यूज करा था जितने भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं उन्हें ब्रेक करता है और उन्हें ब्रेक करके क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अब जो भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टूटा उसका मोनोफॉस्फेट बना और साथ में क्या रिलीज हुई एनर्जी इस एनर्जी का यूज करता है वो इस न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को जोड़ने में तो अगर कोई भी न्यूक्लियोसाइड कहता है कि आई वॉन्ट टू गेट अटैच तो उसे आना पड़ता है ट्राइफेट फॉर्म में और जुड़ता है मोनोफॉस्फेट फॉर्म में जुड़ने की एनर्जी वो अलग से लाता है साथ में लाता है साथ में लाता है इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है इतना पॉइंट क्लियर है भाई चलिए सेमी कंजर्वेटिव हमने कहा प्रोपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक देखिए दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट मिजल्सन स्टॉल एंड थ्रेलर मिजलसन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करा लेकिन इन्होंने जिसमें प्रूव करा वो था इकोलाई किसमें प्रूव करा इकोलाई प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? क्रोमोजोम होंगे या नहीं होंगे तो किसके लेवल पर प्रूव करा क्रोमोसोम या डीएनए टेलर किस पर एक्सपेरिमेंट करा वेबा यूकेरियोट यानी किसके लेवल पर प्रूव करा डीएनए या क्रोमोजोम क्वेश्चन oh. इसी तरह से बनता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाज प्रूव्ड एट क्रोमोजोमल लेवल टेलर एट डीएनए लेवल मिजल सेन स्टॉल एट प्रोकेरियोट लेवल एट यूकेरियोट लेवल क्वेश्चन यहीं से आते हैं मॉलिक्यूलर को हम हार्ड क्यों कह देते हैं क्योंकि कोरिलेशन बिठा रहा है खाली तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अगर मैं मिजल्सन स्टॉल से शुरू करूं पहला मिजल्सन स्टॉल का नाम दूसरा प्रोकैरियोट में प्रूव करा तीसरा इकोलाई में बताया चौथा इन्होंने डीएनए के लेवल पे बताया पांचवा इन्होंने यूज करा रेडियो एक्टिव आइसोटोप या एनएफ15 हैवी आइसोटोप छठा क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन क्या यूज करा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन आ जाइए टेलर पे पहला टेलर प्रोकैरियोट या यूकैरियोट प्लांट या ऑर्गेनिज जो भी था उसका नाम क्या प्लांट का नाम विसिया फैबा क्या यूज करी? करी रूट सेल्स क्या यूज करी क्या यूज करा रेडियो एक्टिव थान वन एच थ्री प्रिपेयर करा क्रोमोसोम के लेवल पर प्रूव करा ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें याद रखने हैं आइए ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है जो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बता रहा है ये एंड क्रिक ने प्रपोज करा कि रेड वाले दो अगर हम उन्हें देखें वो पेरेंटल मान लें तो ब्लू वालों को आप न्यू मान लें एक स्ट्रैंड पुराना होगा तो एक स्ट्रैंड नया होगा इसी को सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं चलिए स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था समझिए उन्होंने एक ईकोलाई e. लिया आपके हमारे सभी के डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन है वो है एन फोर्टीन या एन फिफ्टीन एन फोर्टीन उस इकोलाई e. में भी एन फोर्टीन नाइट्रोजन थी उन्होंने उस इकोलाई e. को एक ऐसे मीडियम में रखा जहां एन फिफ्टीन वाला ग्रोथ मीडियम था तो जैसे जैसे इकोलाई e. की कॉपीज बनती गई आने वाले हर इकोलाई e. के अंदर एन फोर्टीन आया एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन फिर उन्होंने एक ऐसा इकोलाई e. आइसोलेट करा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन की थ्रू जिसके दोनों ही स्ट्रेंड जरा देखिए इधर एन फिफ्टीन वाले हैं रेड कलर से बताए गए हैं दोनों ही स्ट्रेंड यानी अभी तक जो मैंने बताया वो मिजलसन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है या तैयारी ऐसे ही वहां पर हुई हर्षे चेज में रेडियो एक्टिव करने तक एक्सपेरिमेंट था या तैयारी अब हुआ एक्सपेरिमेंट शुरू अगर एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन दोनों ही स्ट्रेंड हैं तो ट्यूब में सबसे बॉटम की तरफ शिफ्ट होंगे एन फोर्टीन एन फोर्टीन है तो ट्यूब में सबसे ऊपर होंगे N14, N14 और 14 15 है तो बीच में आइए देखते हैं इस n15 वाले इकोलाइको 20 मिनट के लिए जिस मीडियम में ग्रो करा गया उस मीडियम में n14 था क्या था n40 सर ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स का है ना n14 मीडियम लिख दीजिए खाली uh, 20 मिनट्स लिखा है ना जा उसके नीचे n14 मीडियम ब्रैकेट में थैंक यू सर तो n14 मीडियम में अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो आने वाला नया स्ट्रेंड आने वाला नया स्ट्रेंड एन फोर्टीन वाला होगा जरा देखिए ग्रीन कलर के स्ट्रेंड को हमने क्या एन फोर्टीन लिखा है क्या उस इकोलाई में एक एन फिफ्टीन स्ट्रेंड भी है इसका मतलब आने वाली दोनों प्रोजेन में एक एक एन फिफ्टीन का धागा गया यानी पूरा स्ट्रेंड कंजर्व हुआ या आधा इसे और आधा इसे आधा आधा इसे, इसे। तो ये है फुल कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव और बाकी का आधा या दूसरा पार्ट जो है देख सकते हैं नहीं तो इसके लिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना पड़ा जरा देखिए अगर मैं पहले वाले इकोलाई का सेंट्रीफ्यूगेशन कराऊंगा तो मुझे बैंड मिलेगा टॉप पर मिड में या बॉटम में लेकिन अब एन फोर्टीन एन फिफ्टीन वाला हाइब्रिड आ गया है अब मुझे मिलेगा ऊपर ऊपर लाइट या हाइब्रिड ये होगा टॉप पे बॉटम में या बीच में ये हाइब्रिड वैरायटी कहलाएगी क्या कहलाएगी जरा देखिए कि इस फर्स्ट जेनरेशन में इस फर्स्ट जेनरेशन हैवी इकोलाई है क्या नहीं है। हैवी नहीं है लाइट भी हंड्रेड परसेंट क्या है हाइब्रिड हंड्रेड परसेंट क्या है hybrid. ये क्वेश्चन आता है मिजल्स स्टॉल एक्सपेरिमेंट फर्स्ट जनरेशन में हंड्रेड परसेंट हाइब्रिड फिफ्टी परसेंट हाइब्रिड या कितना तो कितने परसेंट हाइब्रिड हंड्रेड परसेंट फोर्टी मिनट्स बीस मिनट और रखा तो एक से दो दो से अब रेड वाला और ग्रीन वाला भी सेग्रीगेट हुआ जरा ध्यान से देखिए एन फिफ्टीन के यहां दो ही स्ट्रेंड थे दो ही है और कितनी भी जनरेशन चले जाओ दो ही क्योंकि अब जो भी नया बन रहा है वो बन रहा है एन फोर्टीन या एन फिफ्टीन दो थे दो हैं और दो ही रहे एक्सपेरिमेंट की खासियत यही है अगर ये दो स्ट्रेंड रेडियो एक्टिव होते और आगे मीडियम नॉन रेडियो एक्टिव होता तो भी दो रेडियो एक्टिव थे दो रेडियो एक्टिव है और दो ही एन है और आगे एन मीडियम है में तो भी दो एन थे और दो ही रहेंगे जरा देखिए अगले वाले में हाइब्रिड कितने आए चार में से तो हाइब्रिड का परसेंटेज हंड्रेड से घटके और लाइट का परसेंटेज बढ़ गए तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा हाइब्रिड का परसेंटेज हर बार बढ़ेगा या कम हो रहा है कम जनरेशन में सौ अगली में फिफ्टी तो अगली में तो अगली में यही क्वेश्चन आते हैं और जिससे शुरुआत हो रही है हैवी, वो कभी दोबारा रिपीट होने वाला हाइब्रिड जितना कम होगा उसके मुकाबले लाइट उतना बढ़ता जाएगा आइए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते जरा देखिए लाइट बैंड की पोजीशन हाइब्रिड के मुकाबले हाइट पर है या नहीं है क्वेश्चन देखिएगा a bacterium with a complete radioactive dna complete का मतलब एक स्ट्रैंड रेडियोएक्टिव है या दोनों दोनों was allowed to replicate in a non radioactive medium यानी पुराने डायग्राम में जो n15 n15 था उसकी जगह क्या मान लीजिए अब रेडियोएक्टिव फॉर टू जनरेशन कितनी जनरेशन दो पहली बार में फर्स्ट जनरेशन मिली दूसरी बार में सेकंड जनरेशन मिली what परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड कंटेन radioactive DNA? डीएनए आइए सॉरी देखते हैं अगर मैं इन दोनों लाल धागों को क्या मान लू रेडियो एक्टिव क्या मान लू बच्चों रेडियो एक्टिव अगर मैं दोनों को रेडियो एक्टिव मान लेता हूं तो फर्स्ट जेनरेशन में रेडियो एक्टिविटी कितने परसेंट हंड्रेड परसेंट और सेकेंड जनरेशन में चारों में गई है चार में से दो में चार में से दो में जरा देखिए सेकंड जनरेशन में टोटल डीएनए के स्ट्रेंड कितने हैं टोटल डीएनए के स्ट्रेंड आठ चार इकोलाई में स्ट्रेंड आठ अगर वो कहता इस जेनरेशन में आठ में से कितने रेडियो एक्टिव स्ट्रेंड है तो आंसर क्या जाता दो उसने पूछा कितने परसेंटेज रेडियो एक्टिव है तो आंसर क्या गया टू आउट ऑफ फोर बस इतना सा देख लेना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इतना पॉइंट क्लियर है सभी को चलिए एक क्वेश्चन जो पुराने है, यहां पूछ रहा हूं, जब यहां आया, एक न्यूक्लियोसोम में कितने पेयर थे कितने टू याद है आपको इकोलाई में कितने पेयर होते हैं फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू दावर सिक्स इसमें कितने न्यूक्लियोसोम होंगे इकोलाई में कितने जीरो क्योंकि इकोलाइक क्या, क्या है ये प्रोकेरियो समझ में आ गई बात अगर ह्यूमन डिप्लॉइड सेल ले, ले तो हमारे अंदर है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर नाइन बेस पेयर तो इसको किससे डिवाइड करना होगा टू हंड्रेड से तो याद रखिएगा मॉलिकुलर में स्मार्ट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं अक्सर कि जहां नहीं है वहां आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो इस चीज को जरूर याद रखिए चलिए डीएनए एप्लीकेशन की मशीनरी की बात करते हैं हम जो एंजाइम काम में आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं आपके फास्ट ट्रैक में नाम लिख लीजिएगा वैसे आपको सबको याद होंगे ये नाम ऐड कर लीजिएगा उस बॉक्स में जहां नाम नहीं है पहला हेलीकेस आप सबके क्लास नोट्स में है वहां नाम नहीं है ऐड कर लीजिए मुझे पता है इसीलिए मैं कह रहा हूं लिख लीजिएगा पहला हेलीकेस मैं बोलता जा रहा हूं साथ में हेलीकेस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा डीएनए के स्ट्रैंड में ओपनिंग देगा और वो जो ओपनिंग बनेगी जिसे हम कहते हैं ओआरआई साइट पर बनेगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट ओआरआई साइट वो जगह होगी जो होगी जीसी रिच या एटी रिच क्या क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर होना चाहिए कम वो जो ओपनिंग बनेगी उसे कहेंगे रेप्लिकॉन क्या कहेंगे रेप्लिकेशन इज ऑन रेप्लिकॉन क्या कहा हमने रेप्लिकेशन इज ऑन रेप्लीकॉन सर एनसीआरटी में बहुत बड़ा डायग्राम है है पर सोचिए बिलियंस ऑफ बेस पेयर हैं उनमें से 10-15 हाइड्रोजन बॉन्ड वाले सेक्शंस टूटे तो ये ओपनिंग देखी जाए तो बहुत बढ़िया या स्मॉल ओपनिंग तो अगर रेप्लिकॉन के लिए पूछा जाए कि रेप्लिकॉन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए या इनकरेक्ट बताइए तो इनकरेक्ट कौन सा जाएगा कि इट इज ए लार्ज ओपनिंग और ए स्मॉल ओपनिंग लार्ज ओपनिंग रेप्लिकॉन इज ए स्मॉल ओपनिंग बेटा रेप्लिकॉन दिखने में फोटो में बड़ा है पर पूरे डीएनए के मुकाबले देखा जाए तो छोटा तो रेप्लिकॉन इज स्मॉल ओपनिंग तो लाइन बोल रहा हूं हेलीकेस ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड एट एटी रिच ओराइसाइट सो इट विल क्रिएट स्मॉल ओपनिंग नोनेस रैप्लिकॉम स्मॉल ओपनिंग नोन रेपलिकॉम एल्कलाइन मीडियम इसे फेवर करता है तो डीएनए को जब आप एल्कलाइन मीडियम में रख दोगे तो डीएनए का डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा जब इस तरह से खुलेगी चीजें तो हम देखेंगे कि डीएनए की अगर हम ओपनिंग करें तो आगे की तरफ सुपर कॉइलिंग क्रिएट होगी क्या क्रिएट होगी उस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने वाले एंजाइम का नाम चोपो ये जो रेप्लिकॉन बना हुआ है यह रेप्लिकॉन का यह जो हिस्सा है यह आपस में ना जुड़ जाए अगर जुड़ जाएगा तो पिन लूप बन जाएगा उसे रोकने वाले का नाम एस एस बी पी याद आ रहा है सभी को इट विल प्रिवेंट द पिन लूप फॉर्मेशन अब बात आती है क्या डीएनए के अंदर खुद को नया स्ट्रेंड बनाने की पावर है क्या नहीं है क्योंकि किसी भी नए न्यूक्लियोटाइड को चाहिए प्राइम ओएच OH जहां वो आके रुक सके और वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है डीएनए या आरएनए तो हमें एक ऐसा सेगमेंट चाहिए जो हो आरएनए और उससे बनाने के लिए चाहिए प्राइमेस क्या चाहिए एंजाइम का नाम पढ़िए क्या लिखा है प्राइमेस को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या लिखा है इसका मतलब ये एक आरएनए बनाएगा वो आरएनए होगा ऑलिगो और उस आरएनए का काम होगा फ्री थ्री प्राइम ओएच देना क्या काम होगा फ्री थ्री प्राइम ओएच देगा ताकि आने वाला अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए अगले एंजाइम का नाम पढ़िए डीएनए डिपेंडेंट कितने तरह का है तीन तरह का मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स आउट ऑफ सिलेबस है आपके कितने तरह का है तीन तरह का इन तीन में से मेन पॉलीमरेज कौन सा थर्ड मेन पॉलीमरेज कौन सा थर्ड प्रूफ रीडिंग का काम किसका फर्स्ट रिपेयरिंग भी वही देखता है और प्राइमर हटाने का काम भी उसका फर्स्ट प्राइमर भी हटाएगा प्रूफ रीडिंग भी करेगा तो एक तरह से रिपेयरिंग भी करेगा लेकिन डीएनए एन रेप्लीकेशन का मेन एंजाइम कौन थर्ड वो मेन एंजाइम है और टू वाला काम का या सबसे स्लो है सबसे स्लो है ठीक है वन टू थ्री वन जिसे कॉर्नबर्ग एंजाइम एक तरह से कहा जाता है या जो भी हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका काम है रिपेयरिंग एंड प्रूफ रीडिंग एंड रिमूवल ऑफ प्राइमर आरएनए प्राइमर थ्री मेन एंजाइम है टू बहुत स्लो डीएनए लाइगेस क्या इसे हम ग्लू भी नाम देते हैं जेनेटिक ग्लू ये जोड़ता है डीएनए के स्ट्रेंड को आमने सामने या एंड ऑन कैसे जोड़ता है एंड ऑन इसके फाइव प्राइम एंड को इसके थ्री प्राइम एंड से जोड़ने का काम कौन करता है सर फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है अंतर समझिएगा बहुत सिंपल शब्दों में अंतर समझा रहा हूं मैं अगर यह एक डीएनए का फ्रेगमेंट है और वो भी एक डीएनए का फ्रेगमेंट है तो फ्रेगमेंट से फ्रेगमेंट जोड़ना है तो लाइगेस का काम है फ्रेगमेंट से फ्रेगमेंट जोड़ना है तो और किसी भी फ्रेगमेंट में या किसी भी स्ट्रेंड में अगर एक 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 करके न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो पॉलीमरेस का काम पॉलीमराइजेशन का मतलब है टुकड़े जोड़ना या एक एक करके जोड़ना और जोड़ता है एक एक न्यूक्लियोटाइड या टुकड़ों को अंतर समझ आ गया चलिए आगे देखते हैं एनसीआरटी का डायग्राम डायग्राम रेप्लिकेशन की खास से ऐसे दो कि बच्चा देखे उठा के ये क्या है बोर्ड में हमेशा डायग्राम को घुमा के बनाते हैं पर एनसीआरटी ने ऐसे बनाया हमेशा याद रखिए जब भी आपको डायरेक्शन देनी है तो जहां ये लिखा है ना न्यू सिंथेसाइज ट्रेंड क्या लिखा है वहां खड़े हो जाइए खुद को इमेजिन करिए कि आप वहां खड़े हैं। अब आप देखिए जरा अगर हम न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड वाले पॉइंट पर खड़े हैं तो हम देख रहे हैं फॉर्क में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ अरे बाहर या अंदर एक स्ट्रेंड लाल वाला जो अंदर की तरफ बन रहा है वो बन रहा है डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस समझ में आया डीएनए एप्लीकेशन टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ऑन द डीएनए स्ट्रेंड क्योंकि डायरेक्शन देनी है बदल बदल के या एक ही साइड से और कहा से जहां फॉर्क की ओपनिंग है वहां खड़े होकर देख रहे हैं कि भैया ये स्ट्रेंड लगातार बन रहा है पर किस टेम्पलेट पे बन रहा है जो टेम्पलेट थ्री टू फाइव ये लगातार है लगातार्यूअस देखो अंदर से बाहर की तरफ डिसकंटिन्यूस आ रहा है अरे आ रहा है टेम्पलेट की डायरेक्शन इधर से ही देंगे जहां हम खड़े तो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम तो आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन टेम्पलेट विच इज रनिंग फ्रॉम फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम उस पर डीएनए स्ट्रेंड बन रहा है है डिस और थ्री प्राइम टू तो फाइव प्राइम वाले पर कंटिन्यू तो डीएनए एप्लीकेशन है टोटली कंटिन्यूअस टोटली totally डिस्कंटिन्यूअस या सेमी डिस्कंटिन्यूअस बात समझ में आ गई जरा देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर हेलीकेज बॉन्ड तोड़ता हुआ जा रहा है ये लाइन पूछ लेते हैं वट इज ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ कौन सा आ वेरी गुड दिस इज इंपॉर्टेंट चाहे आप राइबोसोमल बनाए चाहे आप ट्रांसफर आर एन ए बनाए चाहे आप मैसेंजर आर एन ए बनाए किसी भी तरह का आप आर एन ए बनाए उन तीनों के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं में आरएनए बनाने के लिए जो आर एन ए है वो सिर्फ एक सिंगल टाइप का है कितने टाइप का सिंगल टाइप और सिंगल टाइप में आप सभी ने ये पढ़ा है कि एक कोर एंजाइम यूनिट है और साथ में एक सिग्मा फैक्टर है याद आया ये सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम के एक्टिव पार्ट को एक तरह से कवर करके रखता है ठीक है प्रोकैरियोट, एक सिंगल एंजाइम है जिसमें कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर है अगर यह सिग्मा फैक्टर है तो यह सिग्मा फैक्टर डीएनए पर वॉक करते हुए बताता है कि दिस इज द राइट प्लेस जहां से कोर एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है तो जब उस राइट right प्लेस को ये सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा तो ये सिग्मा फैक्टर इस कोर एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ देगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो सिग्मा फैक्टर ने प्रोकैरियोट में एक प्रॉपर वे में ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत सही जगह से हो यह इंश्योर करा अगर सिग्मा फैक्टर को हटा दें, तो कोर एंजाइम डीएनए के जहां भी कांटेक्ट में आएगा वो रैंडमली वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा तो सिग्मा फैक्टर का काम है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करवाना या स्पेसिफिकली करवाना पॉइंट समझ में आ गया बिना सिग्मा फैक्टर के भी ट्रांसक्रिप्शन तो होगा पर स्पेसिफिक या रैंडम पहला पॉइंट क्लियर यूकैरियोट में आ जाइए थ्री टाइप्स के आ रहे हैं? पॉलीमरेस टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री जरा देखिए टाइप थ्री टाइप थ्री में आपको नजर आएगा टी आर एन एन ए के साथ नजर आएगा एस आर एन एस आर एन करिए फाइव आर एन ए राइबोसोमल अरे याद आ रहा है उसका पार्ट है हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए यूकैरियोटिक एमआरएनए अलग है हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक आरआरएनए यूकैरियोटिक आरआरएनए में भी अंतर है लेकिन हम टीआरएनए में कभी ऐसा पढ़ते नहीं है। तो टीआरएनए जिस यूनिट से जुड़ता है फाइवर्स वो यूनिट साथ में ही बन रही है इस तरह से बन रही है ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री रहे और अटैचमेंट प्रॉपर हो पाए इसीलिए टाइप 3 tRNA और 5s को एक साथ बना रहा है टाइप टू देखिए hnRNA बन रहा है फिर hnRNA से स्प्लिसिंग के थ्रू क्या बनेगा mRNA वन को देखिए क्या-क्या बना रहा है 28s 18s 5.8s क्या नहीं बना रहा 5s 5s पार्ट जिसके साथ जुड़ेगा उसी के साथ बनेगा अरे याद रखने में आसानी होगी चलिए आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा रेप्लीकेशन फॉक में डायरेक्शन का ऐसे यहां कहता हूं जब भी डायरेक्शन देनी हो हमेशा डायरेक्शन देनी किससे है कोडिंग स्ट्रेंड से किससे कोडिंग स्ट्रेंड कोडिंग में कोई पार्ट सर फिर इसका काम क्या है सिर्फ डायरेक्शन बताना क्या बताना डायरेक्शन बताना मैं यहां खड़ा हूं मैं किस एंड पर खड़ा हूं फाइव प्राइम या थ्री प्राइम क्या फारेक्षिन। अगर मैं कह दू मैं तो नीले वाले स्ट्रेंड पर जाके खड़ा हूं इस तरफ भी खड़ा हूं तो भी किस एंड पर खड़ा हूं क्योंकि डायरेक्शन हमेशा अगर मैं नीले वाले स्ट्रेंड पर इधर मूव कर रहा हूं तो मैं कहा से कहा जा रहा हूं फाइव प्राइम से थ्री प्राइम क्योंकि डायरेक्शन किसके रेफरेंस में देनी है पहला पॉइंट समझ आया अब बताइए प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स फाइव प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड बोल दो टर्मिनेटर टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स और दोनों के बीच में क्या है स्ट्रक्चरल जीन तो प्रमोटर टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन मिला दो तो क्या बन गई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोडिंग स्ट्रेंड कुछ भी कोड नहीं करता कोडिंग स्ट्रेंड एम जैसा दिखता है उस पे जो है, है, उनको रिप्रेजेंट करता वहां यू है, है यहां टी है वो जेनेटिक कोड है इसलिए इसे कोडिंग नाम दिया उस जैसा दिख रहा है एमआरएनए जो बन रहा है वो किससे बन रहा है कोडिंग से या टेम्पलेट से एमआरएन तो ए किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोडिंग का या टेम्पलेट का और किसके जैसा होगा अरे समझ गए अगर कोडिंग में ए ए ए एम आर एन ए में भी ए ए ए ए होगा लेकिन अगर कोडिंग में की जगह टेम्पलेट में किसमें ए ए ए ए तो सामने यू 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 तो आप हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन जब दे रहा है तो क्वेश्चन में उसने कोडिंग किसे बोला है और टेम्पलेट किसे बोला है उसी के रेफरेंस में एमआरएनए को सॉल्व करिएगा सपोज मैं आपको दे देता हूं इस तरह से कोडिंग स्ट्रेंड ऑफ डीएनए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सीरीज इज सी जी ए तो एम में क्या होगा सी जी ए कोडिंग स्ट्रेंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दे दिया क्लियर है भाई क्वेश्चन में ये जरूर समझना है हमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया के पॉइंट्स क्या क्या है पहला आरएनए एन बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन लेकिन प्रोमोटर को पहचानने का काम किसका सिग्मा फैक्टर एक बार पहचानने के बाद वो रहेगा या हट जाएगा हट जाएगा आर एन ए एक्टिविटी रखता है ये जो कोर एंजाइम बचा ना ये हेलीकेज एक्टिविटी रखता है और डीएनए के स्ट्रेंड को ब्रेक करेगा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को सो आर एन ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ठीक है हेलिक्स की की ओपनिंग हो गई RNA बनने की शुरुआत होगी दिस पॉलीमरेज विल रीच टू द टर्मिनेटर कहां पहुंचेगा टर्मिनेटर वहां पर हमें क्या मिलेगा रो फैक्टर क्या मिलेगा रो फैक्टर इस टर्मिनेटर को पहचानेगा तो फिर से सुन लीजिए बात प्रोकेरियोट में प्रोकेरियोट में इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन तीनों में कोर एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है लेकिन इनिशिएशन में उसकी मदद करने कौन आ रहा है और टर्मिनेशन में मदद करने पर तीनों में काम करने वाला कौन समझ में आ गया तो अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर आर एन पॉलीमरेज तीनों में से कौन है जो लगातार काम करता है तो कौन उसको कोई आराम नहीं है बस वहां सिग्मा फैक्टर ने उसे बताया कि यहां से शुरू करना है यहां रो फैक्टर ने बताया कि यहां पर खत्म करना है ये उसका काम है डायग्राम आपको दिया हुआ है देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज है जैसे इनिशिएशन हुआ सिग्मा फैक्टर रहा या हट गया एलोंगेशन का प्रोसेस चल रहा है जैसे ही टर्मिनेशन आया आपको रो फैक्टर का अटैचमेंट नजर आ रहा है सर आरएनए एन उसको भी हटना पड़ेगा जब टर्मिनेशन होगा तो आरएनए को डीएनए से रिलीज कर दिया जाएगा आरएनए एन को भी डीएनए से हटा दिया जाएगा और यही तो रो फैक्टर है जो उस अटैचमेंट को हटवा रहा है कि भैया आरएनए पॉलीमरेज अब तुम्हें आगे जाने की जरूरत दिस इज द टर्मिनेशन साइट और भी कई चीजें हैं आपके लेवल पर एनसीईआरटी के हिसाब से हम इतना ही डिस्कस रखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हाई सीजी थ्योरीज कुछ नहीं यहां तक रखिएगा जितना लिमिटेड आप अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में रखेंगे उतने ज्यादा आंसर सही करेंगे स्टिक टू एनसीआरटी